सोच क्या हो गए? या तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा या घर से बाहर जाएगा। आज फिर से घर में चोरी हो गई। आपको कितने बार कहा कि नौकर चेंज कर दो, क्योंकि मैं आपको कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। वो आज ही उसको निकालता हूँ। राजू, राजू। जी मालिक, आया। हाँ मालिक, क्या हुआ? तूने फिर से घर में चोरी की ना, तो सुधरेगा नहीं ना? नहीं मालकिन, हमने कोई चोरी नहीं की है। एक तो चोरी करता है और ऊपर से जवान लड़ाता है। रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं मालकिन, पुलिस मत बुलाइए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी माँ सुनेगी तो मर जाएगी मालकिन। ठीक है ठीक है, लास्ट टाइम छोड़ दो, लेकिन अगली बार नहीं। आज फिर से घर में चोरी हो गई। ये तो रोज रोज का हो गया है। या तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा या घर से बाहर जाएगा। यार बैठो पहले, देखो ये घर में रोज रोज चोरी हो रही थी, इसीलिए मैंने रूम में कैमरा लगा दिया था। अरे छोड़िए ना, बेचारा गरीब है, उसकी माँ को प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई बात नहीं, और सारी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में ही होती है, एक मिनट में प्ले करके दिखा देते हैं। रुकिए। बेबी। हाँ बोल। बहुत रात हो गई यार, अब मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, किसी भी वक्त तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा। ठीक है। बेबी पता, मुझे एक प्रॉब्लम था। क्या? बोलो ना। मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? 15,000। बस शुक्र, मैं भी लाती हूँ। ठीक है। थैंक यू बेबी। अच्छा अगर कभी किसी दिन तुम्हारे हस्बैंड को अगर पता चला तो फिर तुम क्या करोगे? मैं हर वक्त सारा इल्जाम अपने नौकरों पर डाल देती हूँ। और वो बेचारे सोचते हो कि उन्होंने तो लिया ही नहीं है पैसे। ठीक है बेबी, अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा कल। ठीक है। तू तो बहुत कमीनी निकली और अपने ही घर में चोरी किया, और जब देखो उस नौकर को फंसा दिया करती थी, और तो और अपने घर में यार बना के रखा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जा जा, मैंने तुझे माफ किया। लोगों को पता चलेगा ना कि तुमने अपने पति के साथ ये किया, तो लोगों को भरोसा ही उठ जाएगा रिश्ते से। जा जा, माफ किया।